सिंध के वे वजीर सैयद मुराद अली शाह सदाम लाशारी के कत्ल वे मामले की अदालती जांच जो हुक्म दई छो। वे वजीर सैयद मुराद अली शाह से पीपी जैकब अब्बास के अगवान लियाकत लाशारी की मुलाकात। सदाम लाशारी के कत्ल वे वाक़े की अदालती जांच कराई वे। सैयद मुराद अली शाह तरफा सदाम लाशारी के कत्ल वे वाक़े की अदालती जांच जो हुक्म दिनों वो। लेटर जारी। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज लाई के लाहौर की अदालत में आजाद थींदे ही बे केस में गिरफ्तार कर वो। लाहौर में एंटी करप्शन पुलिस हथा करप्शन के केसन में गिरफ्तार पीटीआई सदर चौधरी परवेज लाई के अदालत में पेश कर वो। अदालत गुजरात तरक्याती मनसूबन वाले केस में बरी कर छो। अदालत में आजादी मारण बाद एंटी करप्शन पुलिस परवेज लाई के गुजरावाला में दाखिल केस में बीहर गिरफ्तार कर वरतो। परवेज लाई पान के बेगुनाह करार दई छो। तन चवण है तो बेगुनाही पाक फौज जो हामी है। का प्रेस कॉन्फ्रेंस न कद पीटीआई में है उनमें ही रहो। पंजाब के अगूणे वे वजीर उस्मान बोजदार भी सियासत छड़न जो ऐलान कर छो। उस्मान बोजदार नव मई वारन वाक्य की मजम्मत कद फौज से गड पे भी हुआसी हाँ भी फौज से गड आयो। जिन बेगुनाहन के गिरफ्तार किया है उन नरमी कई वे खेन आजाद किया वे। सभी स्टेक होल्डर्स के दरख्वास्त है पाकिस्तान की बेहतरी जो सोचन। उमरकोट में औरत जो पुरसरार मौत पुलिस मुड़स सहरे के गिरफ्तार कर वरतो। मुझी धीरे के कत्ल कर लाश टैंकी में फिटो कर छो है। वाक्य के आबघात जो रंग दिनों पे वे औरत के वाले जो इल्ज़ाम समय जा पाड़े में औरत छुट्टा जाल रमजान समय जो जे पानी की टांकी में लाश अथाय। मकसूद और रिंद वेझो अगवा का पे कत्ल कल बारड़ी जोहरा कुंभर से ज्याती की तस्दीक। मेडिको लीगल पारा जहर दई कत्ल कर जो शक जाहिर। पोस्टमार्टम का पे मासूम जोहरा कुंभर जो लाश वारसन हवाले कर वो। खटे वेझो कराची था पिकनिक ते आयल बारड़ी वाटर पार्क में बुरी फौत थी वही। फौती बारड़ी की सुजाणप मलीर जी मदीना कॉलोनी वासर मिन्हा धी समत तौर थी। सिंजो रोभरसा धनार मोहम्मद जुमन ब्रोही राप्तियाणी शाख में मीहू चारण दौरान बुझी वो। गौसपुर वेझो कच्चे इलाके गोठ मूसा लोलाई में बिन धुरन में पुराने तकरार से जेड़ो ब जणा मारजी वया। बिन धुरन के मानुन एक बे ते फायरिंग कई। फायरिंग के नतीजे में साहब खान और तालब लोलाई मारजी वया। छिकदान तेज की वही। फायरिंग हलंदड़ रतो छाण जो खदशो। बख्शापुर थाने की हद गोठ दाद मोहम्मद भंगवार में कार इल्ज़ाम में